बांग्लादेश की फ्लाइट में यात्रियों के बीच चले लात घुसे, बिना शर्ट पहने यात्री ने मारपीट की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हज यात्रा से कोरोना की पाबंदियां हटी, दुनिया भर से हर उम्र के लोग मक्का जा सकेंगे, सऊदी सरकार ने जायरीनों की सीमा भी खत्म की। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन फेल हुआ, ऑर्बिट में एंट्री नहीं कर पाया, रॉकेट लॉन्च देखने के लिए उमड़ी थी सैकड़ों लोगों की भीड़। इजराइल सरकार ने देश में फिलिस्तानी के झंडे को किया बैन, इजराइल फिलिस्तानी जंग फिर भड़कने की आशंका। अफगानिस्तान में आप प्राइमरी तक पढ़ पाएंगे लड़कियां, तालिबान ने आदेश जारी किया, इस्लामिक नियमों के तहत कपड़े पहनने होंगे। पाकिस्तानी लड़की की इटली में घर वालों ने की हत्या, मुल्क लौटकर अरेंज मैरिज से किया इनकार, तो माता पिता और भाइयों ने मारकर दफनाया। दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार, चीन में भारत के नाम पर बिक रही फर्जी दवाइयां, जापान में एक हफ्ते में 11 लाख केस। मॉस्को गोवा फ्लाइट में बम नहीं मिला, 10 घंटे तलाश हुई, जामनगर एयरपोर्ट पर रात भर रही अफरा तफरी, सुबह गोवा रवाना हुई फ्लाइट। कैलिफोर्निया में फिर तूफान का खतरा, गवर्नर ने बाइडेन से मदद मांगी, 10 दिन में 12 लोग गवा चुके हैं जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मिला विलुप्त हो चुका सफेद हिमालयन गिद्ध, 5 फीट लंबे हैं पंख, लोगों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सनारो अस्पताल में भर्ती, 2018 में हुए हमले की चोट से फिर परेशान, पत्नी ने दी सोशल मीडिया पर जानकारी। जोशीमठ में गिराए जाएंगे 2 लग्जरी होटल, बुलडोजर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा हर मामला हमारे पास लाना जरूरी नहीं। हापुड़ में 4 साल के माविया को एनडीआरएफ ने बचाया, 4 साल के मासूम ने मौत को दी मात, 5 घंटे तक चला माविया को बचाने का ऑपरेशन। दिल्ली के रोहतक रोड पर सराय रोहली रेलवे स्टेशन के पास हादसा, डीसी बस में ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल की वीरभूम में मिड डे मील में मिला सांप, सांप मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, छात्रों को बीमार पड़ने के बाद परिजनों का हंगामा। टीम इंडिया ने जीता साल का पहला वनडे, लंका को 67 रन से हराया, 4 साल बाद कोहली का घर में शतक। पाकिस्तान ने जीता कराची वनडे, न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, नसीम को 5 विकेट, रिजवान बाबर फखर से अर्धशतक, पाकिस्तान ने जीता कराची वनडे। दोहरा शतक लगाने वाले ईशान को ड्रॉप करने पर भड़के वेंकटेश, कहा गिल नहीं तो राहुल को रिप्लेस करो। रोहित विराट कब फिर से T20 के लिए टीम इंडिया में चुना जाना मुश्किल, हार्दिक ही रह सकते हैं कप्तान, BCCI इस फॉर्मेट में युवा खिलाड़ियों को दे सकता है मौका। उमरान मलिक ने वनडे में भी सबसे तेज गेंद करने वाले भारतीय गेंदबाज बने, उमरान मलिक ने 24 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड, श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे